दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने के ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक कैसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने, किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने कैसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो 22 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वो ही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी और शिरले देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाी सवार सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनक कैसे फैक्ट बताए हैं चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक

कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप 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 लोगों 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 को 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 इसके प्रोड्यूसर्स में में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी में आप लोगों को यहां पर नागा शौर्य और शिरले सैटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाी सवार सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल

कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस की आई एम डीबी के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों को को बता चुका कि इसकी स्टारिंग में यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगू लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण वृंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने अनेक ऐसे फैक्ट बताए हैं अनेक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो हजार बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप 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 लोगों 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 को 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 इसके प्रोड्यूसर्स में में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप यहां पर नागा शौर्य और शिरले सैटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाी सवार सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी पर पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर कर दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल ऐसे फैक्ट बताए हैं चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो 22 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी मल, आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों को को बता चुका हूं कि इसकी में आप को यहां पर नागा शौर्य और शिरले सैतिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सक दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चले का ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सक दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने कैसे फैक्ट बताए हैं के कैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण वृंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल ऐसे फैक्ट बताए इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब

को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी और शिरले सैटिया को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाी सवार सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो हज़ार बाईस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाएगी इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम

साथ, किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों को को बता चुका इसकी में पर नागा शौर्य और शिरले देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आ गा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से एट्टी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब

टोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशन जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सके हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेसन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम

सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक

कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी मल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में में देखने को 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 मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों बता चुका इसकी पर शौर्य और शिरले सैतिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी तो की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्री राम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशन जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल के ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनल के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों को को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप पर नागा शौर्य और शिरले देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमिल राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने का ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी मल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्री राम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशन जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी मल आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेतिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण वृंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनल के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाज़मी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप 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 लोगों 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 को 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 इसके प्रोड्यूसर्स में में देखने मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं बता चुका इसकी पर नागा शौर्य और शिरले सैटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी, नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो हजार 22 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं आप आप लोगों लोगों को को बता चुका कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर नागा शौर्य और शिरले देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्रीराम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमिल राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगू दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चले का ऐसे फैक्ट बताए हैं अचानक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो 22 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर नागा शौर्य और शिरले सेटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो साई श्री राम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाथी सवारा सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण विंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो बाईस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल

यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्ण वृंदा विहारी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा तो ये मूवी जो है वो बेसिकली तो ये एक क्राइम वाली मूवी नहीं बनाई गई इसमें आप लोगों को ड्रामा एंड कॉमेडी देखने को मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी में हमें मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा इस मूवी के अंदर तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जी एक्शन तो नहीं लेकिन हाँ रोमांस प्लस कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फाइव आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब

साथ, को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या कि ये हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी अनिश आर कृष्णा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की कि इस मूवी के राइटर कौन है स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो अनिश आर कृष्णा जो है वही इस मूवी के राइटर भी हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी उन्होंने ही कंट्रोल किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उषा मलपुरी आप 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 लोगों 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 को 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 इसके प्रोड्यूसर्स में में देखने को मिलेंगे स्टारिंग स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसकी पर नागा शौर्य और शिरले सैटिया देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो साई श्री राम इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो तमी राजू इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो महाी सवार सागर इस मूवी के यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूजिक को अरेंज किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी इरा क्रिएशंस जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को संभाल चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बनाई जाने वाली मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते